ओके स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू. एंड नाउ वी स्टार्ट द कार्बिन रिएक्शन. फर्स्ट इट्स फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज द एडिशन ऑफ अल्कीन. सो फर्स्ट रिएक्शन इज सून बाय द कार्बिन, दैट इज द एडिशन ऑफ अल्कीन्स. ओके, सो एडिशन ऑफ अल्कीन हम दोनों से करेंगे. फर्स्ट हम सिंगलेट से भी कराएंगे एज वेल एज ट्रिपलेट से भी कराएंगे, तो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. तो फर्स्ट हम सिंगलेट से स्टार्ट करते हैं. तो चलो जैसे आपने सिंगलेट से स्टार्ट किया, तो हमने एक अल्कीन लेनी है सी. दिस वन हम सीज फॉर्म में ले रहे हैं, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन. एंड ये सीज फॉर्म है क्योंकि अपोजिट साइड में CH3 है. जैसे आप इसे CHCl3 से रिएक्शन कराते हो तो फॉर्म क्या होता है, सिस फॉर्म में ही साइक्लिक थ्री मेंबर की रिंग बन जाती है. और ये CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. जब हम सिंगलेट यूज करते हैं तब तो कैसे, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, अब कैसे रिएक्शन ये होती है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं. ठीक है, चलो. तो फर्स्ट में क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म में जो CH है, CHCl3, अभी आपने इसे देखा था कि फर्स्ट फॉर्म में ये OH से अटैक करा के ClCNCl, यहाँ पे Cl जो था यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल लोन पे रहता है, और ये Cl यहाँ पे रहता है, जिसके कारण स्टेबल Cl निकल जाएगा, और जिसके कारण ClC लोन पर एज वेल एज वैकेंट ऑर्बिटल्स के फॉर्म में बनता है. अब ये जो बना है कार्बिन, ये अटैक किस पे करेगा आपके, ये फर्स्ट स्टेप था. सेकेंड स्टेप में जो अल्कीन बनाया था आपने, CH3 हाइड्रोजन, और यह CH3 था हाइड्रोजन. अभी ये अगर इस पर अटैक करता है, जिसके कारण जो कार्बन है, देखो Cl एक साइड है इस पर वैकेंट ऑर्बिटल, और एक साइड क्या है इस पर लोन पेयर. जिसके जैसे ही इसके पास आता है, तो जो ये लोन पेयर है ना, ये लोन दोनों इलेक्ट्रॉन जो था, दोनों इलेक्ट्रॉन जाके इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है. एंड इसके कारण इस पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और इस पर क्या आएगा, लोन पेयर सर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं. ठीक है, अब क्या होगा देखो, तो जो ये लोन पेयर के फॉर्म में कार्बन के पे है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बिकॉज इस पर इलेक्ट्रॉन ने डोनेट कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया. और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे लेने वाला है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक. न्यूक्लियोफाइल का अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सेम साइड से ही हो रहा है, इसीलिए क्या होगा देखो, अभी क्या होगा, ये लोन पेयर दे करके इसे एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और ये कार्बन अपना लोन पेयर देकर इसके वैकेंट लोन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर ले. तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे, कार्बिन है ये, और ये सिंगल बॉन्ड था, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. और जो Cl था, Cl कुछ ऐसे दिख जाता है आपको. ठीक है, तो यहाँ पे भी कार्बन था, इधर क्या है, CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन. तो आपका सिस फॉर्म में ही प्रोडक्ट क्या हुआ, फॉर्म हुआ. आपने सिस लिया और फॉर्म क्या हुआ, सिस हुआ. इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक भी कहते हो. क्या कहते हो, स्टीरियो स्पेसिफिक. क्यों स्टीरियो स्पेसिफिक कह रहे हो, कि व्हेन वी टेकन द रिएक्टेंट एज अ सिस, देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो इट इज द सिस. एंड व्हेन वी टेकन द ट्रांस, देन फॉर्मेशन ऑफ ऑल्सो ट्रांस. ओके, सो दैट्स रीजन बिहाइंड दैट वे कॉल इट इज द स्टीरियो स्पेसिफिक. ओके, सेकेंड रिएक्शन यदि हम लोग इस पर ट्रिपलेट का रिएक्शन कराएं तो क्या फॉर्म होगा, तो कैसे, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखो. यदि हम लोग यहाँ पर ट्रिपलेट ले लें, क्या लें, ट्रिपलेट, तो रिएक्शन कैसे होगी. ठीक है, तो ट्रिपलेट आप लेने के लिए आपको भाई CHCl3 थोड़ी रिएक्शन होती है, वो किससे बनता था, डाइजोनियम से कराते थे ना. तो सी डबल बॉन्ड मीथेन, हमने सी से लिया अभी कि CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. इन प्रेजेंस ऑफ, जब हम CH2N2 से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, एक तो बनता है भाई CH3OH, मतलब CC बनेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH2N2 है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. एज वेल एज यहाँ पे एक प्रोडक्ट और बन जाता है, वो क्या होता है, ट्रांस CH3, तो यहाँ पे H, और यहाँ पे यदि H है तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 H और H, ये दोनों बनते, मतलब हमने लिया था सिस, तो सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनता है. बनता तो है, बट क्यों बनता है वो हम यहाँ पे देखेंगे. चलो आप फर्स्ट स्टेप कराते हैं, मैकेनिज्म क्या है बिहाइंड इसका. CH2N2 लिया है आपने, अब CH2N2 क्या होता है, डाइजोनियम है. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लोन पेयर है, इस पर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन तो है इस फॉर्म में. नाइट्रोजन अपना, जैसे आप हीट करते हो, नाइट्रोजन यहाँ से लेकर बॉन्ड निकल जाता है, और कार्बन पे क्या फॉर्म हो जाएगा, ट्रिपलेट.
तो ये हुआ लोन पेयर और ये हुआ वेकेंट ऑर्बिटल्स, और प्लस एन टू यहाँ से निकल गया। अब जब कोई पोलर प्रोडक्ट नहीं सॉल्वेंट दे रहे हो, आप हाइड्रोजन दिए हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है अपना रीअरेंज करके। जब अप प्रोडक्ट मतलब कोई भी आपने यहाँ पे गैसेस दिया नहीं है, तो इन प्रेजेंस ऑफ नथिंग जो इसे लोन पेयर दे सके, तो जो कार्बिन है वो ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब ये ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट हुआ, तो अब ये जाके अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा, सेकेंड स्टेप में देखो रिएक्शन कैसे हो रही है। ये बना रहा मैं सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सी एस थ्री है, सी एस थ्री है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बिन है ये यहाँ पे आता है, और यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक में गया है। इसके बाद देखो एक ऑर्बिटल ऐसे है, एक ऑर्बिटल ऐसे है। यदि एक में स्पिन ऐसा है, तो एक में स्पिन कैसा होगा, ऐसा होगा। अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी तो ऐसा होगा बच्चा कि एक स्पिन ऐसा हो और फिर एक स्पिन ऐसा हो, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि एक स्पिन ऐसा है, एक स्पिन ऐसा है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अपोजिट में है, ये देखो ये अपोजिट है, तो ये अपन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। बट ये सेम स्ट्रक्चर है ना, ओके, ये कार्बिन जो होता है सेम याद है ना, सेम स्पिन वाला होता है, तो आपने सेम स्पिन करनी है, ठीक है। तो और ये देखो जैसे ये अपोजिट अपोजिट में है, तो इसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, लेकिन ये दोनों को सेम 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 टाइप के स्पिन है, तो ये फॉर्म बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। बट एट द सेम टाइम पे ये कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड करेक्टर्स हैं। अब जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड करेक्टर्स होती है, तो रोटेट होने का भी चांस होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो टाइम लगेगा इसे फिर से रिवर्ट होने में, मतलब इसको फिर से उल्टा होने में, इसका जो स्पिन है चेंज होने में, उसे मैं क्या कहूँगा, टी स्पिन इन्वर्जन। फॉर मतलब इन्वर्जन में टाइम लगेगा, उसके कारण जब इन्वर्ज हो जाएगा, मतलब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, तो फिर से एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होकर के आपका क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे सी सी बन जाएगा आपका, जब ये क्या होगा इन्वर्ट होकर आ जाएगा। लेकिन हो पॉसिबल ये भी है कि जब तक ये इन्वर्ज करे, उस समय पर जो टाइम है बॉन्ड रोटेशन का, किसका, बॉन्ड रोटेशन का, हो सकता है जब तक ये स्पिन चेंज करे, उसी दौरान जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर अभी हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड जब है तो रोटेट भी कर सकता है। यदि वो रोटेट किया, तब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जब बॉन्ड टी बॉन्ड रोटेशन हो गया, उसके बाद टी स्पिन इन्वर्जन हो रहा है, तब यहाँ प्रोडक्ट डायरेक्टली, बात सिंपल बात है, क्या बन जाएगा फिर, ये आपका ट्रांस बन जाएगा। मतलब ये सी एस थ्री है, ये हाइड्रोजन है, बट ये उल्टा हुआ तो हाइड्रोजन ऊपर आ गया और सी एस थ्री नीचे आ गया। तो यही इसमें केस होता है कि इन्वर्ज कर जाते हैं, मतलब यहाँ पे ट्रिपलेट भी, ट्रिपलेट से सीज भी बनता है और ट्रांस भी बनता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, यदि ये कारल तो है, ये भी कारल है, यदि यहाँ से ये पास करें हम लोग कोई प्लेन, तो ये क्या है, पी ओ एस प्रेजेंट हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख रही है आपको, देखो इधर भी सी एस थ्री, यहाँ भी सी एस थ्री, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, अपोजिट हो रहे हैं। तो इसी यहाँ पी ओ एस भी प्रेजेंट है और ये कारल भी है, तो इस ऐसे कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजो कंपाउंड, जो कि क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो इसमें कारलिटी है, बट पी ओ एस नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे सी एस थ्री है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और पी ओ एस अब्सेंट है, बट कारलिटी है। तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ट्रिक क्या रहेगा कि जहाँ पर डबल बॉन्डेड है वहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो कार्बन है इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, और लोन पेयर डोनेट करके ये कार्बिन से, लोन पेयर डोनेट करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और कार्बिन अपना लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, वो आप ट्राई करना, ठीक है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है आपको दे रहा हूँ, उसे आप ट्राई करना करते हैं। बस ट्रिक मैंने आपको बता दिया, आपको जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखेगा वहाँ पे आप एक कार्बन से दूसरे पे लोन पे शिफ्ट करा देना, एंड वहाँ से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देना। तो चलो पहला क्वेश्चन लिखो कि देखो ऐसे मैंने एक बेंजीन रिंग है जहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पर है, प्लस सी एच टू एन टू दे रहा हूँ आपको डाइजोनियम, एंड यहाँ पे एच म्यू से हीट करा रहा हूँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताना। सेकेंड क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ कि थोड़ा चेंज कर दें, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है सी एच टू एन टू से रिएक्शन करा देना। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका ये कुछ ऐसा है, एंड यहाँ से ऐसे, तो इसका डबल बॉन्ड कहाँ दिखा, यहाँ पे,
या डबल बॉन्ड कर दिया, इसको भी मैं सी एच टू एन टू से रिएक्शन कराऊंगा, एन एच में हुई दे रहा हूँ। एंड फोर्थ जो क्वेश्चन है वो मान लीजिए आपको एक ऐसे देता हूँ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, इसको भी सी एच टू एन टू एन एच में से हीट कराओ। फाइव जो क्वेश्चन है आपका है बेंजीन रिंग ले लो, इसे भी सेम। सिक्स जो आपका रिएक्शन आएगा यहाँ पर है, इन प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर, देखो हम सेकेंड जो फॉर्म कराते थे सी सी एल फोर और आर एल आई, एंड जो प्रोडक्ट बनेगा ए उस पर आपको अटैक करानी है इससे, और ये किस में दिया हूँ मैं, यहाँ पे भी आर एल आई दे रहा हूँ। तो आप बी प्रोडक्ट बताइए मुझे क्या बनेगा, ठीक है। ये हो गया सिक्स क्वेश्चन हो गया, एंड द सेवन्थ क्वेश्चन है ये रहा आपके लिए। सेवन्थ क्वेश्चन में एक काम करो, कुछ ऐसा कर लो, यहाँ भी ले लो यहाँ भी, इसे भी सेम में करो। आठवां जो है, आठवां क्वेश्चन में आप कुछ ऐसे करें, यहाँ डेवलपमेंट करता हूँ, इसे भी सी एस टू। नाइन्थ जो क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, चलिए कुछ ऐसा करिए, सी डबल बॉन्ड ओ और इसे भी हीट कराइए, और इसमें आप मतलब हीट तो करा दोगे क्योंकि ये यही कार्बन बनाएगा, प्लस यहाँ पे आप ले लो बेंजीन ले लो जो डबल बॉन्ड में जोड़ के दिखाओगे, इसी को भी सी एस टू फॉर्म है। लास्ट रिएक्शन आप करें जो कि है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसे भी मैं सी सी एल फोर एंड आर एल आई के फॉर्म में कर रहे हो, ठीक है। ज़रा मैं इधर अप करूँ, कुछ क्वेश्चन और कर दें आपको। इलेवन क्वेश्चन आपके लिए है कि मान लीजिए सी एस थ्री है, ट्रिपल बॉन्ड करके कार्बन है, यहाँ पे अटैक होगा, देखो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, एंड सिंगल बॉन्ड सी सी एस थ्री, इसे भी हीट आप कराइए सी एस सी एल थ्री से करो, अभी सिंगलेट बनेगा एंड क्यू एच से, ठीक है। एंड इलेवन क्वेश्चन हो ना, 12 क्वेश्चन चलिए लास्ट ले लो, कुछ ऐसे रिएक्शन दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ पे करेक्टर, डबल यहाँ पे भी है, एंड प्रेजेंस ऑफ वही सी एस सी एल थ्री ले लो इसके लिए, एंड के ओ एच, ठीक है। एंड एक्सेस में चलेगा करके लिखा रिएक्शन, तो इसमें मैं आपको आइडिया दे दूँ, क्वेश्चन दे दूँ करा करके। देखो एक मैं आपको करा देता हूँ, से इसका ही देखो करा देता हूँ, ट्वेल्थ का करा देता हूँ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर से ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड इसको शिफ्ट कर देगा यहाँ से, और यहाँ पे इस पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पर आ जाएगा लोन पर आ जाएगा, ठीक है। अब सी एस सी एल थ्री है तो बनेगा क्या, सी एल सी सी एल इलेक्ट्रॉन और वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कर देगा शिफ्ट, इसे दे देगा और ये वाला दे देगा इसे, तो यहाँ से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा कुछ ऐसे, ये ऐसे था, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा, तो यहाँ से ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ऐसे आप ट्राई करना सारे विद द मैकेनिज्म करना, चाहिए तो मैं आंसर लिख ही देता हूँ। जैसे यहाँ पे इसका हो जाएगा, ये कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एंड सिक्स क्वेश्चन आपको यदि हार्ड लगे तो मैं कर देता हूँ। देखिए सी सी एल फोर है, तो सी सी एल फोर से बनता क्या है, सी एल सी एल सी सी एल वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन भी है वैकेंट ऑर्बिटल, ये लोन पे रहा है, जाके यहाँ ज्वाइन कर लेगा, मतलब कुछ ऐसे फॉर्म कर लेगा। उसके बाद ये भी तो आर एल आई करा रहे हो, तो यहाँ पे भी कैसा बनेगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, और फिर ये आपस में ज्वाइन कर रहे हो, इन्हें इन्हें ज्वाइन कर रहे हो, तो प्रोडक्ट उसका ऐसा बनेगा, तो ये प्रोडक्ट लास्ट में आकर के कुछ ऐसे ही बन जाएगा, ये ऐसे, और यहाँ से जो ये था ये वाला था ये भी ज्वाइन कर जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट इसका बन जाएगा। और कोई करना चाहता हो, ये वाला करा दें, लो ये रहा, ये ऐसे, ये ऐसे, और कोई क्वेश्चन, ये सी ओ टू करा रहे हो, देखो इस पर क्या हो जाएगा, लोन पेयर यहाँ से भी हो जाएगा, सी ओ टू था ना, सो सिंगलेट बनेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रिपलेट बनता है सी ओ टू से ऐसे, तो अब ये अब ट्रिपलेट वाला पे दोनों बनता है, अब ये जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर से करेगा, यहाँ से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे, ये जाके यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा ना, लोड करेगा, मान लो कि इसको मैं बना दूँ, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे एक डोनेट हो रहा है, एक डोनेट हो रहा है, ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसका, होगा यहाँ से ही कर लो डन, बाकी बच्चे आप ट्राई करो मैकेनिज्म से करना ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाए, ठीक है। एनी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो आप कमेंट करें, ओके, थैंक यू सो मच।